अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीबीसीएल के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बेनज़ीर भुट्टो शहद यूनिवर्सिटी लाहौर कराची में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपने पहले वीडियो बहुत सारी देखी होंगी मेरे, मैंने हाउ टू फिल एडमिशन फॉर्म और डॉक्टर फार्मेसी पे कम्प्लीटेड वीडियो बनाया था, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बीबीसीएल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो सही तरीके से फिल हो, और उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा कैसे आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर जो 1000 रुपीज़ है, मे बी इस साल वो 1500 रुपीज़ भी कर सकते हैं। और डॉक्टर फार्मेसी की जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी है, वो 2000 रुपीज़ है। आपको सिंध बैंक में, किसी भी सिंध बैंक की ब्रांच में आप डिपॉजिट करा सकते हैं अपने वाउचर को। और आपको 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए और 2 फोटो कापीज़ ऑफ एप्लीकेट NIC या बे फॉर्म 2, इट मीन्स आपके फ्रंट और बैक जो भी NIC वो दोनों आपको चाहिए। आपके फादर के भी चाहिए और आपके NIC दोनों के, आपके फादर के NIC, आपके NIC दोनों के फ्रंट और बैक NIC, आप दोनों 4th और 5th ये हो गए। और 6th की अगर बात करें तो उसमें 2 फोटो कापीज एप्लीकेंट पास सर्टिफिकेट, ठीक है, जो लास्ट क्वालिफिकेशन जो आपके इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है उसकी 2 फोटो कापी, और 2 फोटो कापी आपके मार्कशीट की जो आप इंटरमीडिएट की, या अगर इंटरमीडिएट की अगर नहीं हो तो आप फर्स्ट ईयर की भी दे सकते हैं। मे बी बहुत सारे बोर्ड की रिजल्ट आ चुकी है, आई थिंक ऐसा इशू नहीं होगा, फिर भी अगर नहीं हो तो आप फर्स्ट ईयर की भी लगा सकते हैं। और 2 फोटो का वीज़ा एप्लीकेंट करेक्टर सर्टिफिकेट जो आप जब हम इंटरमीडिएट पास करते हैं तो आप जब मार्कशीट देते हैं उसके साथ करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट देते हैं, वही आपको अटैच भी करना, तो उसकी 2 फोटो का भी, और 2 फोटो का वीज़ा एप्लीकेंट डोमिसाइल को आपके देने। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में लेना चाहते हैं, अगर आपको स्पोर्ट्स में शौक है तो आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, फिर आप कुरियर के ज़रिए सेंड कर सकते हैं इनको। आपका फॉर्म आपको क्या करना है, पहले ऑनलाइन फिल करना है, उसके बाद आपको कुरियर करना है, या पोस्ट कर सकते हैं, TCS कर सकते हैं, या खुद यूनिवर्सिटी विजिट करके सबमिट भी करा सकते हैं। सो दोस्तों, आज के वीडियो इतने थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हैं, या नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, हम उससे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं या मेरिट लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, फी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, जो सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे।